जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन करवाएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माता आशापुरी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि माता आशापुरी मंदिर जाने से पहले माता वैष्णो देवी जी की जो गुफा है वहाँ पर आना पड़ता है, तो यहाँ पर आप अपने किसी भी वाहन के माध्यम से आ सकते हैं। मेन रोड से माता की गुफा तक जो है वो आपको रास्ता सीढ़ियों के द्वारा ही तय करना पड़ेगा। आशापुरी माता को वैष्णो माता का रूप माना जाता है, इसलिए इस गुफा में माता जो है वो पिंडी रूप में विराजमान है। ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान के द्वारा गेट बनवाया गया है। देवभूमि हिमाचल पावन और पवित्र मानी गई है, इसीलिए ये देवी देवताओं के लिए प्रिय स्थानों में से एक है। हिमाचल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनोहरी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा चलने के बाद जो है यहाँ पे आगे रास्ता थोड़ा सा तंग हो जाता है, और ये रास्ता जो है वो माता की गुफा के लिए जा रहा है, और यहाँ पे गुफा में प्रवेश करने के लिए जो है वो एक एक आदमी जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लग जाती है गुफा में प्रवेश करने के लिए। तो अगर यहाँ पर आदमी मोटा हो या पतला हो, कोई भी कैसा भी आदमी हो, वो यहाँ पे गुफा के अंदर प्रवेश कर सकता है, लेकिन अगर कोई गुफा के अंदर ना जाना चाहे तो उसके लिए एक दूसरी तरफ से भी रास्ता है, तो वो वहाँ से भी जा सकते हैं। गुफा के अंदर आपको पेट के बल रेंग के ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप चल के गुफा के अंदर जा सकते हैं। गुफा के अंदर जो है वो काफ़ी अंधेरा होता है, तो आप घबराएं नहीं, जय माता दी बोलते रहें और आगे बढ़ते रहें। और यहाँ से जो है आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से आपको निकलना होगा अंदर के लिए, तो आप जय माता दी बोल के गुफा में अंदर जाएं। आपको माता जो है वो अपने आप ही रास्ता खोल देगी, और आप अपने आप ही अंदर प्रवेश जो है वो कर जाएंगे। अर्श जो है वो दूसरे रास्ते से अंदर पहुँच चुका है, और गुफा से जो लोग निकल रहे हैं उनको बड़ी हैरानी से देख रहा है। माता की गुफा के अंदर चारों तरफ लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, और जहाँ पे माता की 3 पिंडियाँ हैं वहाँ पे शूट करने की मनाही है, तो वहाँ पे हम शूट नहीं करेंगे। और यहाँ से शुरू होता है माता की गर्भजून गुफा का रास्ता। तो जैसे कि हमें पुजारी ने बताया कि यहाँ पे एक अंदर छोटा सा कुंड भी है, तो वो यही जगह है जहाँ पे अंदर एक कुंड है, वहाँ पे हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो गुफा से निकलने के लिए जो है वो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं सीढ़ियों से आप गुफा से बाहर निकल सकते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से ही आप गुफा के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको गुफा से ही अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है, जहाँ पे माता वैष्णो देवी की गुफा होती है उसी के पास भैरव बाबा का भी स्थान होता है, तो ये जो जगह है यहाँ पे भैरव बाबा का स्थान है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन के लिए आता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएँ जो हैं वो पूरी करती हैं। यहाँ पर साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना जो है वो लगा रहता है। तो माता वैष्णो देवी जी की गुफा के दर्शन के बाद हम चलते हैं माता आशापुरी के मंदिर। यहाँ पे जो है नीचे गाड़ी खड़ी है हमारी, और मेन रोड से जो है वो माता की गुफा का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से जो है वो माता की गुफा तक पहुँच सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएँ, और माता वैष्णो देवी जी की गुफा के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर हमने कुछ गलत बोला हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, माता वैष्णो देवी जी की गुफा के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं माता आशापुरी मंदिर की तरफ, तो अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ वैष्णो, जय माँ आशापुरी।